अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बहुत ही ट्रीटेड हेयर के ऊपर केराटिन रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि रिबॉन्डिंग हमेशा वर्जिन बालों पर करें, लेकिन आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं कि जब आपको ट्रीट करना पड़ता है ट्रीटेड हेयर पर केराटिन रिबॉन्डिंग को, तो सीख लेते हैं कि कैसे करना है केराटिन रिबॉन्डिंग। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल रेंज में आपको मार्केट से मिल जाते हैं। ये क्यूने ब्रांड की 100 ml की पैकिंग में केराटिन रिबॉन्डिंग के जो है वो पैकिंग्स हैं, दो पैकिंग्स हैं, ठीक है। और इन दोनों पैकिंग्स को, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो हम दोनों ट्यूब्स को जो 100 ml की हैं, यानी कि 200 ml की इस प्रोडक्ट को हम अपने बॉल में निकालेंगे। और उसके बाद आपने बालों की कंडीशन देख ली है कि बालों की कंडीशन जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा डाई ब्लीचिंग वगैरह बालों पर हुई है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें आपके पास दो प्रोडक्ट आती हैं, एक नॉर्मल होती है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होती है। तो इस वक्त जो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, जो हमारा क्लाइंट लेकर आया है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को हम माइल्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें आपके पास कोई भी अच्छा मास्क हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास कोई भी कंडीशनर हो आप इसके अंदर इसको ऐड करके इसे माइल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देखें इसमें अच्छा खासा जो है वो अपना मास्क ऐड कर लिया हुआ है, क्योंकि बाल ट्रीटेड है और बालों के ऊपर जो है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग वाला प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, तो हमने इसे सेंसिटिव बनाने के लिए, सेंसिटिव हेयर वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम लोगों ने इसमें मास्क को ऐड कर लिया है। अभी हमने क्या किया है, बालों को कराई है वॉशिंग और बालों को टॉवल ड्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपने 100% बालों को ड्राई नहीं करना है, ओनली आपने इसमें से सारा पानी जो है अपने टॉवल के साथ इसमें से खींच लेना है, ठीक है। और जब आपका बाल जो है वो बिल्कुल यानी कि वेट तो होगा लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, तब आपने इस अपने मिक्स किए हुए मास्क और आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग वाले जो मटेरियल है उसको आपने ऐसे अप्लाई करना है जैसे कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि सेक्शन बनाना है, बैक नेप एरिया से आपने शुरू करना है, आपने सेक्शन बनाना है और उस सेक्शन पर आपने जो है इस प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। और आपने इसकी एप्लीकेशन पूरे हेयर्स पर करनी है। और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट की जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो आपको सारा फोकस जो है अपने क्लाइंट पर करना होता है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा इधर उधर की बातों में नहीं लगना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि जब आप बातों में बिजी हो जाते हो, ठीक है, चाहे वो काम की बातें ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम में जब आप काम में बिजी हो जाते हो तो आपका जो काम करने का यानी कि आपके एप्लीकेशन करने का टाइम है उसका टाइम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं रहता कि आप कोई काम कर रहे हैं, आधा ध्यान आपका काम में होता है और आधा काम आपका बातों में चला जाता है, ठीक है। तो आपने जब भी काम करना है तो आपने पूरा का पूरा फोकस अपने काम पर ही करना है और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काम करना है। सेक्शन आप देख लें, अगर बहुत छोटे सेक्शन आप बनाओगे तो आपको पता है कि जितने स्मॉल साइज़ के सेक्शन होंगे उतना ही टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। तो मैं तकरीबन 1 inch का जो सेक्शन है, 1 से 1.5 inch का जो सेक्शन होता है उस पर काम कर रही होती हूँ। और आप देखें प्रोडक्ट अप्लाई करते करते कितना शाइनी हो रहा है हमारा बाल, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे बालों के लिए बहुत सूटेबल है और हमारे बालों पर बहुत अच्छी ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। इसीलिए देखते देखते आपका बाल जो है वो शाइनी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट आपके बालों पर सूट नहीं ना करता वो उसी टाइम आपके बालों को ड्राई करना शुरू कर देता है और आपका बाल सूखना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई करनी है तो आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपका बाल जो है वो ड्राई हो रहा है या आपका बाल जो है वो जलना शुरू हो गया, तो फिर आप कोई रिस्क भी ना लें और बालों को जो है फटाफट वाटर शावर के साथ जो है वो अच्छे से गीला कर दें और फिर उसके बाद आप इसको वॉश करा दें, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर हमारी स्टूडेंट हैं जो आज प्रैक्टिकल हमको जो है वो दिखा रही हैं, ठीक है। और बहुत ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम डाई का जो परफॉर्मेंस थी वो भी इनकी बहुत अच्छी थी, 100 में से 100 इनको मार्क्स दिए जाते हैं और आज की परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो परफेक्ट रही। तो इसको बहुत अच्छे से आपने जो है वो इस तरह मल्सिफाई करते हुए पैक पर छोड़ देना है। और इनकी टाइमिंग जो होती है, जो आपकी केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो होती है या फिर आपकी ब्रीमोड में केराटिन आती है, इन सब की टाइमिंग की मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है वो 25 मिनट की होती है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा माइल्ड किया हुआ है,
क्योंकि हम लोगों ने इसमें मास्क भी ऐड किया हुआ है और दूसरा हम लोगों ने इनके बालों पर पानी भी लगाया हुआ है। तो आपने इसको हमें जो है वो 35 मिनट दिया था, ठीक है। अभी हमारा जो सबसे नैब एरिया था जहाँ पर हमें पता है कि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट अप्लाई किया था, वहाँ पर हमारे बालों का बाउंड जो है वो ब्रेक हो चुका था और हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको वॉश किया। अच्छा, इसकी जो वॉशिंग होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, वो आम वॉशिंग की तरह नहीं होती है। इसकी वॉशिंग में ये होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, बालों को मलना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है, फिर थोड़ा सा पानी डालना होता है, बालों को मलना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है। और इस काम को हम बार बार करते हैं जब तक कि हमारे बालों से प्रोडक्ट नहीं निकल जाता, और इस तरह से हमारे बालों में लाइट लाइट सा मसाज होता चला जाता है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारे बालों से निकलता जाता है वैसे वैसे हमारे बालों पर एक शाइन आता चला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और हाथों से जो है वो ब्लेंड करते हुए जो है वो प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है। इस फिर पानी की टैप को आप ऑफ कर दें और उसके बाद हल्का हल्का जो है वो बालों में मसाज इसका करते चले जाएं, ठीक है। सॉफ्ट हाथों के साथ बहुत ही अच्छे से इस प्रोडक्ट को आपने बालों से निकालना होता है। ये ना हो कि कहीं पे आपकी प्रोडक्ट रह जाए, अगर कहीं पर आपकी प्रोडक्ट रह जाएगी तो आपकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए रिबॉन्डिंग ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रीमोड का मास्क है जो अगेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बच्चियाँ ये क्वेश्चन हमसे पूछ रही होती हैं कि हम क्यूने का कर रहे हैं तो हम ब्रीमोड यूज़ कर लें, ब्रीमोड की कैरेटिन कर रहे हैं तो हम क्यूने का करें या मास्क यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने बालों को जो है और बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई कर लेने के बाद अब स्ट्रेटनिंग का टाइम आता है, और स्ट्रेटनिंग आपने किस तरह से करनी होती है, आपने बिल्कुल पतली सी लेयर लेनी होती है और उसकी स्ट्रेटनिंग करनी होती है। अच्छा, यहाँ वीडियो बन रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, हमारी जैसे वर्किंग हो रही होती है हमारे ओरिजिनल क्लाइंट्स का ये काम होता है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ क्लिप्स को हम कैप्चर करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 4-5 हमारे पास मोबाइल्स और कैमराज होते हैं जिसमें हर तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाए जा रहे होते हैं, और बाज़ात उसमें से कुछ क्लिप्स रह जाते हैं, जैसा कि आज के वीडियो में हमारी स्ट्रेटनिंग का क्लिप हमसे मिस हो गया है, इसलिए मैंने दूसरे एक वीडियो से क्लिप लेकर यहाँ पर डाला है। इसलिए आप इस चीज़ का इशू मत किया करना कि ये बाल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल हम मेरा मकसद था कि आप लोगों को बता दूँ कि स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। सेम इस मेथड के साथ आपने छोटे छोटे सेक्शन बना लेने हैं और इसको जो है वो पूरे हेड को आपने स्ट्रेट कर लेना है। इसमें अच्छा खासा जो है वो टाइम चाहिए होता है। और जो हमारे ये क्लाइंट था जिनके बालों पर आपको मैंने फर्स्ट क्रीम लगा के दिखाई थी, फर्स्ट क्रीम से ही इनके बालों में बहुत ही ज़्यादा शाइन आ गया था और बाल इतना ज़्यादा खूबसूरत हो गया था कि आप बिलीव करें कि पता चल रहा था कि हाँ जी, इसके ऊपर अगर रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़े के साथ हम लोगों ने उनकी फर्स्ट वॉशिंग करवाई थी। फर्स्ट वॉशिंग में ही हमारा क्लाइंट काफ़ी हैप्पी हो गया था क्योंकि ट्रीटेड हेयर था और हमें डाउट था कि कहीं पर कोई कुछ मसला ना हो। जब सारे बालों की आपकी स्ट्रेटनिंग हो जाएगी तो अब बारी आती है न्यूट्रलाइजर लगाने की। अच्छा, न्यूट्रलाइजर लगाने के लिए आपको बालों को ठंडा करना है, कम से कम आधा घंटा क्लाइंट को आपने बिल्कुल फ़ैन के एसी के नीचे बिठा के रखना है, और उसके बाद फिर आपने न्यूट्रलाइजर जो है उसको अपने बॉल में निकाल लेना। जैसे कि ट्यूब्स इसमें यूज़ हुई हैं ऐसे ही आपने न्यूट्रलाइजर की भी ट्यूब्स इसमें अप्लाई निकाल लेनी है, और साथ ही इसमें आप थोड़ा सा पानी भी जो है उसे ऐड कर ले, ठीक है। और इस पानी को ऐड करने के बाद जो है वो बालों पर आपने सेम उसी तरह से सेक्शन बनाकर अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर पानी देख लें क्योंकि मैं जितना हमारा प्रोडक्ट होता है मैं उतना ही पानी इसमें जो है वो ऐड कर लेती हूँ। अगर आपका बाल जो है वो काफ़ी हेल्दी है तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम ट्रीटेड हेयर पर काम कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को इनके हेयर्स पर यूज़ नहीं करूँगी। बाहर पानी की और न्यूट्रलाइजर की बहुत ही अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, दोनों को बहुत ही अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और ब्लेंड कर लेने के बाद आप आपने लगाना कैसे है, पहले तो आप ये देखें कि हमारी स्ट्रेटनिंग के बाद हमारा बाल कैसा हो गया था, क्योंकि बालों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइन आ गया था, ठीक है। अच्छा, ये रिज़ल्ट था हमारी स्ट्रेटनिंग के बाद का, और स्ट्रेटनिंग के बाद के इस रिज़ल्ट को देखकर अब हम इस पे न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर लेते हैं। और न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद भी, यानी कि हमें इनको जो आपकी ऑप्शनल वाली स्ट्रेटनिंग होती है सबसे लास्ट में जो आप एक स्ट्रेटनिंग करते हो, उस स्ट्रेटनिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। इतना इनका खूबसूरत बाल हो गया था कि ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल मलाई की तरह चमकता चमकता, और हमारे क्लाइंट की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपने न्यूट्रलाइजर को इस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, न्यूट्रलाइजर के दौरान आपने बालों को इधर उधर मूव नहीं करना है, आपने अपने क्लाइंट का सर को एक जगह पर टिका के बिठा देना है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके बाल हिले जुलेंगे तो कोई मसला होगा तो आपको आपके बालों का रिजल्ट ख़राब हो सकता है, इसलिए क्लाइंट को आप एक बार समझा दें कि अभी हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने जा रहे हैं
जो आपके बालों को जिस जगह से भी वेव होगा वहीं पर फिक्स कर देगा। तो आपने एक ही फॉर्म में अपने सर को रखना है ताकि हमारी प्रोडक्ट हम अपना काम अच्छे से जो है वो कर सके, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हमारी स्टूडेंट, क्योंकि ये आज एक डेमो था, हमारे पास स्टूडेंट्स आती हैं दूसरे सिटी से और हमारे अपने सिटी से भी आती हैं, ठीक है। और उनकी 1 मंथ की, 15 डेज की, 5 डेज की क्लास होती है जिसमें प्रॉपर हम उन्हें गाइड कर देते हैं। आप बिलीव करें कि हमारी ये स्टूडेंट ने ओनली 1 मंथ की क्लास हमारे पास ली थी और बहुत देर से ये जो है पार्लर के कोर्सेज जो है वो कर रही थी, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इनका कहना है कि डाई और हेयर का काम इनके ऊपर से गुजर जाता था। और इन्होंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करने के बावजूद भी अभी तक इनको डेवलपर्स का नहीं था पता, इनको रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, कैराटिन, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल हाउ नो नहीं थी, ठीक है। जहाँ पर भी गई इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया, लेकिन कभी भी इनको सही से गाइड नहीं किया गया। इंशाल्लाह मैं इसका इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहरहाल मेरे साथ जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और ओनली अभी ने 15 डेज हुए हैं, 15 डेज में इन्होंने खुद से उस दिन हाइलाइट्स किए थे जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज रिबॉन्डिंग भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही है। प्रॉपर मैं उनके पास खड़ी हूँ, ऐसे कहने के बिल्कुल हाथ पकड़ के इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो काम करना है आपने, ठीक है। और यही हमारा तरीका होता है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आप अगर हमारे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर आपको काम सिखा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे पास लाइव आएंगे तो उसकी फीसिस होती हैं, ठीक है। और अगर आप फीसिस पे करके जब हमारे पास आते हो तो आप एक माह में ही इतना सीख लेते हो कि आपको पता इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छी इनकी एप्लीकेशन हो रही है और इन्हें स्ट्रेट फॉर्म में रखना है। और हाँ, इनकी टाइमिंग क्या होगी, इनकी टाइमिंग अगर उन्होंने 30 मिनट दिए हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को तो यहाँ 15 मिनट आप अपने न्यूट्रलाइजर को जो है वो लगाकर छोड़ देंगी, उसके बाद फिर सिंपल पानी से वॉशिंग कराएंगी और यही मास्क अप्लाई कर लेंगी या कोई भी कंडीशनर उनके पास हुआ तो उसको ये अप्लाई कर लेंगी, ठीक है। अच्छा, ये वॉशिंग के बाद का जो रिज़ल्ट था आप खुद देखें कि बिल्कुल भी इन्हें स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कि इनको स्ट्रेट किया जाए, कुछ किया जाए, बिल्कुल परफेक्ट इनका रिज़ल्ट था। दुआ में याद रखिएगा और आगे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।